सो ये आपका क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर टू देखो, एडी इज एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलस ट्राइंगल। आपको पता है आइसोसेलस क्या होता है कि नहीं? जिस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होता है और दो कोना इक्वल होता है, सो क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोसेलस ट्राइंगल बोलते हैं। बट वेरी गुड, इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। तो हम लोग मना बना था सबसे पहले आइसोसेलस ट्राइंगल। ये मानो कि एक आइसोसेलस ट्राइंगल है, ये ए, ये बी और ये सी है, तो जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी बोला है। अगर ए बी इक्वल टू ए सी, ऑब्वियसली एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल ही होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि दो इक्वल साइड का दो अपोजिट एंगल इक्वल होता है। शो दैट एडी बाइसेक्ट, अभी थी कि क्या बोला है, शो दैट एडी बाइसेक्ट बी सी एंड एडी बाइसेक्ट ए। एडी एडी बाइसेक्ट बी सी, यहाँ पे एडी ए पे है, एडी ए वो बाइसेक कर रहा है बी डी, क्या बोलते हैं ना, बी क्या बोलते हैं ना, बी सी को बाइसेक कर रहा है, मतलब ये बीच में है, और ये प्रूव करना है कि ये इसका भी इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, मतलब एंगल ए को बाइसेक कर रहा है, मतलब आपको प्रूव करना पड़ेगा ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। ये बोला ना आपको, है ये क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं इसको। सबसे पहले आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ए डी बाइसेक बी सी, ए डी बाइसेक बी सी, इसका मतलब क्या है, बी डी इक्वल टू बी सी प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। डी जो बाइसेक कर रहा है, बाइसेक का मतलब क्या होता है कि दो इक्वल हिस्सों में बांटना, बी सी को दो इक्वल इक्वल हिस्से में बांटना, मतलब बी डी इक्वल टू बी सी, ये बीच वाला पॉइंट है, प्रूव करना पड़ेगा। तो ये इक्वल टू ये कैसे प्रूव करेगा? अगर हम लोग प्रूव कर दिया कि ये ट्राइंगल, अगर ये ट्राइंगल को हम लोग ये ट्राइंगल के साथ हम लोग कांग्रेस प्रूव कर दिया ये, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये आधा इक्वल टू ये, ठीक है ना, और ये कोना इक्वल टू ये कोना, बाइसिपिसिटी, खत्म कहानी। तो हम लोग मेन पर्पस होगा कि ये दो ट्राइंगल को कांग्रेस प्रूव करना ही हम लोग सबसे पहले अहम टारगेट गोल यही होना हम लोग का, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लेते हैं, गिवन ले लेते पहले, गिवन क्या है हम लोगों का कि ए बी इक्वल टू ए सी, ये हम लोग का टारगेट है। अभी क्या बोल देते हैं हम लोग, टू प्रूव या टू शो, हम लोग क्या शो करना पड़ेगा, हम लोग शो यही करना पड़ेगा कि नंबर वन कि ए डी बाइसेक्ट बी सी, और एल डी एल्टीट्यूड बोला है, मतलब ए डी इज परपेंडिकुलर ओवर बी सी गिवेन है। और नंबर टू क्या प्रूव करना बोला है कि ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझो दिल धाम को सुनो, बहुत बढ़िया से मेरे बात को क्या बोलना चाहता है। सबसे पहले हम लोग गेम खेलेगा ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल में, तो लिखो सॉल्यूशन। देखो इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, हम लोग बोल सकते हैं कि ये 90 है तो ये भी 90 है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, AD जो परपेंडिकुलर है BC का ऊपर, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, है ना। और ये साइड इक्वल टू ये साइड, और ये कोना इक्वल टू ये कोना, बढ़िया चंगम, चंगो बोले है कि ना, चंगो बोले। तो लिखो एंगल ADB, ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ADC की, बिकॉज AD इज परपेंडिकुलर ओवर BC। नेक्स्ट लिखो कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ऑब्वियसली मालूम है, क्योंकि दो साइड इक्वल तो दो कोना भी इक्वल होगा, ये आइसोसेलस ट्रायंगल प्रॉपर्टी है। तो लिखो यहाँ पे कि एंगल ए बी डी, ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ए सी डी। वाई एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। इसके बाद आप लिखो कि ये साइड इक्वल ये साइड गिवेन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये साइड इक्वल टू ये साइड गिवेन है, ये आपका गिवेन है। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी। कौन सा प्रॉपर्टीज है, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, समझ में आया। देयरफॉर बाय एंगल एंगल साइड रूल से ये दो ट्राइंगल क्या है, आपका कॉन्ग्रेंस हो चुका है। कितना मजा आया ना, अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंस हो चुका है तो ऑब्वियसली हम लोग बोल सकते हैं कि इस ट्राइंगल का हर एक पार्ट इस ट्राइंगल का हर एक पार्ट से इक्वल होगा, अभी है कि नहीं। इसका मतलब क्या, इस ट्राइंगल का कौन सा हिस्सा है, बी डी था ना, आई कैन से बी डी इज इक्वल टू डी सी। देयरफॉर हम लोग से यू कैन से दैट बी डी इक्वल टू डी सी बाई वाट, सी पी सी टी।
अगर बी डी इक्वल टू डी सी हो गया दैट मीन्स व्हाट, डी से मिड पॉइंट, तो आई कैन से दैट ए डी बाइसेक्ट बी सी, देयरफॉर दैट क्या इसका मतलब क्या है, दैट इट मीन्स व्हाट, डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सो हम लोग बोल सकते हैं कि ए डी बाइसेक्ट बी सी, सो ए डी बाइसेक्ट बी सी, ये बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट है। अब आखिरी लाइन लिख दो कि ये कोना इक्वल टू ये कोना भी तो है कि नहीं, तो भाई सीपी से क्योंकि ये ट्राइंगल इक्वल प्रूव हो गया, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, देयरफॉर एंगल बी ए डी सिंगल एंगल सी ए डी, सी ए डी बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। तो हम लोग आम भी बोल सकते हैं देयरफॉर देयरफॉर एंगल ए इज बाइसेक्टेड बाय एडी, बाय एडी।